ठीक है, तो ये हमारे BCA 2 का सिलेबस है और फर्स्ट यूनिट में हम लोग पढ़ लिए थे डेटा कम्युनिकेशन, नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, नेटवर्क क्राइटेरिया, ठीक है, एप्लीकेशंस, प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस, लाइन कॉन्फ़िगरेशन, पॉइंट टू पॉइंट, मल्टी पॉइंट, ठीक है, टोपोलॉजीज भी हम लोग देख लिए थे पूरे, ट्रांसमिशन मोड हम लोग देख लिए हैं, ठीक है, और कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क भी देख लिए, लैन, मैन, वैन, इंटर नेटवर्क्स, ठीक है। कुछ छूट गया ऐसा लग रहा है क्या इसमें? ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकंड यूनिट में, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल डेटा। ठीक है, माइक बंद कर लो, किसका ऑन है, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल डेटा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है सिग्नल्स की, ठीक है, मतलब डेटा एक्चुअल में कैसा ट्रांसमिट होता है वो हम लोग पूरा यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो उसमें एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है, डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन, पैरेलल ट्रांसमिशन, ठीक है, सीरियल ट्रांसमिशन, DTE, DCE, इसका मतलब होता है डेटा ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इंटरफेस, ठीक है, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, डेटा सर्किटिंग टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट, ठीक है, इसको कम्युनिकेशन भी बोला जाता है, ठीक है, उसके स्टैंडर्ड्स, मोडेम, ट्रांसमिशन रेट, मोडेम स्टैंडर्ड्स, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा फिजिकल लेयर में यूज़ होने वाले हम लोग इसमें सिग्नल्स प्लस इक्विपमेंट दोनों हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 में हम लोग देखते हैं, आज मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा, ठीक है, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के ही बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आता है सिग्नल्स की बात, ठीक है, कि हम लोग जो डेटा ट्रांसमिशन करते हैं या फिर कोई भी टाइप का कम्युनिकेशन करते हैं तो वो किस टाइप के सिग्नल पे जाता है, एनालॉग सिग्नल पे जाता है या फिर डिजिटल सिग्नल पे जाता है। ठीक है, तो पुराने ज़माने की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे हम लोग देखते थे कि साइन वेव के थ्रू इस टाइप से, ठीक है, ऐसा 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 वेव्स में ट्रैवल होता था, जो भी सिग्नल होता था वेव्स में ट्रैवल होता था। ठीक है, तो ये होता था एनालॉग सिग्नल, ये होता था एनालॉग सिग्नल। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग डिजिटल सिग्नल की बात करें, ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल इस टाइप से होता है, ऐसा ऐसा, ठीक है, डिजिटल मतलब 0101, ऑन ऑफ इस टाइप का सिग्नल रहता है, ठीक है, मतलब एक बार में डाउन, एक बार में अप, एक बार में डाउन, एक बार में अप, इस टाइप का सिग्नल होता है। ठीक है, तो हम लोग दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, दोनों में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एनालॉग सिग्नल की बात करते हैं यहाँ पे, एंड एनालॉग, ठीक है, इसको स्पेलिंग हम लोग दोनों तरीके से लिख सकते हैं, एनालॉग और ये इस टाइप से, ठीक है, UE एक्स्ट्रा हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। एनालॉग सिग्नल इज कंटिन्यूस सिग्नल फॉर विच टाइम वेरिंग फीचर वेरिएबल, ठीक है, फीचर या फिर हम लोग उसको वेरिएबल बोलते हैं, टाइम वेरिंग मतलब टाइम चेंज होता है उसका, ऑफ द सिग्नल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम अदर टाइम वेरिंग क्वांटिटी, ठीक है, डेट इज एनालॉगस टू अनदर टाइम वेरिंग सिग्नल। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिग्नल बनता है वो टाइम के हिसाब से बनता है, ठीक है, कैसे बनेगा, टाइम के हिसाब से बनेगा, ठीक है, मतलब वो सिग्नल को ट्रैवल करने में कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, वो टाइम को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, दोनों हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए उसको टाइम वेरिंग बोला जाता है, मतलब अगर मान के चलो बहुत दूर भेजना है हम लोग को, ठीक है, बहुत दूर सिग्नल भेजना, वाया एयर भेजना है हम लोग को, तो हम लोग क्या करेंगे, एनालॉग सिग्नल भेजेंगे और साथ में उसको वेवलेंथ बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, वेवलेंथ बढ़ा देंगे। अगर मान के चलो कोई सिग्नल है वो इस टाइप से, ठीक है, कैसा है, ऐसा टाइप का सिग्नल है, एकदम पास पास है, ठीक है, अब इसका वेवलेंथ शॉर्ट है, यहाँ पे देखो ये शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है, ठीक है, एकदम शॉर्ट वेवलेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट है, अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, ठीक है, मैं इसको बढ़ा देता हूँ, ऐसा करता हूँ, फिर ऐसा ऐसा ऐसा, वेवलेंथ क्या हुआ इसका,
बढ़ा दिया, मतलब ये डिस्टेंस जो है वो बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा, जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करने वाला होगा ये उसका बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब आया समझ में, तो जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा उतना ही ज़्यादा उसको टाइम लगेगा, क्या लगेगा, टाइम, ठीक है, जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा उतना ही ज़्यादा इसको पहुंचने में टाइम लगेगा और उतने ही ज़्यादा वो डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा। अगर मान के चलो कोई भी एक सिग्नल है हमको उसको 100 किलोमीटर तक पहुँचाना है, ठीक है, जैसे कि हम लोग रेडियो सिग्नल्स यूज़ करते हैं, विविध भारती, ठीक है, या फिर FM रेडियो, ठीक है, तो ये सारे जो रेडियो वेव्स होते हैं वो एनालॉग सिग्नल पे काम करते हैं, ठीक है। एनालॉग सिग्नल मतलब एक इलेक्ट्रिकल टाइप की सिग्नल होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि हवा में झटका मारेगा वो, ठीक है, वैसा नहीं होता, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही होता है वो, लेकिन उसको एनालॉग सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। ये एक साइन वेव पे काम करता है, मतलब उसको ऐसे ट्रांसमिट किया जाता है और जितना ज़्यादा दूर तक हो सके वो उतने दूर तक पहुँच सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल, सॉरी एनालॉग सिग्नल। आया समझ में, तो इसमें दो चीज़ें होती है, टाइम प्लस डिस्टेंस दोनों होता है। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतनी ही उसकी क्वालिटी ख़राब होती जाएगी। आया समझ में, देखो एनालॉग सिग्नल जो होता है, मैं क्लियर कट बात कर रहा हूँ कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में, ठीक है, हम लोग वो फालतू मैथमेटिक्स में हम लोग नहीं जा रहे हैं, फिजिक्स में हम लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है, मैं हम लोग अभी कंप्यूटर नेटवर्क के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, ठीक है। जितनी ही ज़्यादा दूर से डेटा आएगा हमारे पास, डेटा की क्वालिटी उतनी ही कम होती जाएगी, ठीक है। अगर मान के चलो बिलासपुर से भिलाई कोई डेटा आ रहा है, वो एनालॉग सिग्नल से आ रहा है, ठीक है, अगर मान के चलो वायर मीडियम से वो उसने भेजा, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, बिलासपुर में बैठ के कोई लैंडलाइन से कॉल कर रहा है और हमारे लैंडलाइन पे ही कॉल किया उसने, ठीक है, वो लैंडलाइन से कॉल किया और हमारे लैंडलाइन पे कॉल आया, सब के सब वायर से जुड़ा हुआ है, लैंडलाइन वायरलेस पे नहीं चलता है, ठीक है, किस पे चलता है, वायर पे चलता है, ठीक है, तो वहाँ से वो वायर में डिजिटल सिग्नल नहीं ट्रांसमिट कर रहा है, वो एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ से वो एनालॉग सिग्नल भेजा, ठीक है, बिलासपुर से भिलाई के डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, ठीक है, तो उसके बीच में कम से कम नहीं नहीं मैं 100 रिपीटर लगे होंगे, तभी उसका स्ट्रेंथ बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग वहाँ से बोलते हैं, कुछ एक नैनो सेकंड का डिले आता है हम लोग के में, ठीक है, और हो सकता है उसके बीच में कुछ वायर में ख़राबी हो, कुछ मौसम में ख़राबी हो, ठीक है, या फिर कोई वायर में नमी आ गई, या फिर कुछ भी ऐसा डिस्टर्बेंस हो सकता है उस वायर में, ठीक है, तो उसके कारण उसकी क्वालिटी ख़राब होती है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतने ही ज़्यादा उसमें डिवाइसेस लगेंगे, उतने ही ज़्यादा उसमें वायर होगा, वायर का रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, और वही सारे कारण होते हैं उसकी क्वालिटी को ख़राब करने के लिए। आया समझ में, नहीं तो हमको क्या ज़रूरत थी डिजिटल सिग्नल बनाने की, अच्छा खासा एनालॉग में ट्रांसफ़र हो रहा था, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल जो होता है वो पावर कंजम्पशन भी करता है, ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस भी होता है और साथ में टाइम भी लगता है, ठीक है, मतलब टाइम वेरिंग सिग्नल होता है ये, एक प्रकार का टाइम के हिसाब से वो हम लोग उसको बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक है, वेवलेंथ बढ़ा दो टाइम भी बढ़ जाएगा और दूर तक ट्रैवल करेगा, ठीक है। जैसे हम लोग रेड कलर बोलते हैं, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग सिग्नल के लिए रेड कलर का यूज़ करते हैं। आया समझे, किसका यूज़ करते हैं हम लोग, रेड कलर का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा रहता है, वो दूर से हम लोग को दिख जाता है रेड कलर है करके, ठीक है। तो वैसे ही सिग्नल्स का भी वैसे ही होता है कि हम लोग इसका वेवलेंथ इतना ज़्यादा रखेंगे ताकि वो दूर तक तो पहुँच जाए, ठीक है, वेवलेंथ कम रखेंगे तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आया समझ में, तो इसीलिए हम लोग एनालॉग जो सिग्नल होता है उसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिकल कंटेक्स्ट में काम करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, इट डिफर्स फ्रॉम डिजिटल सिग्नल इन टर्म्स ऑफ स्मॉल फ्लक्चुएशंस इन द सिग्नल विच आर मीनिंगफुल। एनालॉग इज यूजुअली थॉट इन ऑफ इन एन इलेक्ट्रिकल कंटेक्स्ट, ठीक है, किस कंटेक्स्ट में रहेगा, इलेक्ट्रिकल कंटेक्स्ट में रहेगा। हाउएवर मैकेनिकल, न्यूमेटिक,
हाइड्रोलिक एंड अदर सिस्टम्स में ऑल्सो कन्वे एनालॉग सिग्नल्स। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं, ऐसे न्यूमेटिक डिवाइस होते हैं या फिर हाइड्रोलिक डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिवाइसेस आज भी एनालॉग सिग्नल पे काम करते हैं, बहुत सारे जैसे पुराने पुराने मशीन्स होते हैं। ठीक है, उन लोगों को अगर कोई सिग्नल देना है, क्योंकि पहले के जो मैकेनिकल डिवाइसेस होते थे तो वो डिजिटली नहीं रहते थे, मतलब उसमें इंस्ट्रक्शन कैसे भेजते थे, या तो कुछ वायर कनेक्ट होगा या फिर कुछ इस प्रकार से कुछ कनेक्ट होगा, वहाँ से हम लोग एनालॉग सिग्नल के थ्रू ही भेजते थे। आज तक वैसे ही काम हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम लोग को कोई न्यूमेटिक डिवाइस यूज़ करना, न्यूमेटिक मीन्स क्या होगा, जैसे कि कोई ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ठीक है, जैसे कि एक कैलकुलेटर आता है, जानते हो, इसमें ऐसे बटन दबाओ और बिल भी प्रिंट होते रहता है साथ साथ में। ठीक है, या फिर रेडियो होता था हम लोग का, रेडियो जानते हो, पुराने ज़माने में ऐसे उसके अंदर एक सिलेंड्रिकल कॉइल रहता था, कॉइल के ऊपर एक पॉइंटर रहता था, उसको खसकाते जाओ तो उसका सिग्नल चेंज होते जाता था। ठीक है, वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी पकड़ता था। ठीक है, तो वैसे टाइप की डिवाइसेस होती है। ठीक है, या फिर जो वॉच होती है, ठीक है, वॉच में भी क्या होता है, वो बैटरी से सिग्नल जनरेट करता है, सिग्नल के थ्रू मैग्नेटिक इफेक्ट के थ्रू वो पूरे क्लॉक को घुमाता है। ठीक है, वो भी अलग ही टेक्नोलॉजी है एक तो। ठीक है, तो वो सारे जो डिवाइसेस है वो न्यूमेटिक डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, तभी वो बहुत कम पावर में काम करते हैं। ठीक है, तो एक सेल का कितना होगा, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट के ही पावर में वो काम करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी एनालॉग सिग्नल के बारे में। आया समझ में? बहुत ज़्यादा डीप में घुसेंगे तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना पड़ जाएगा एक सिग्नल के चक्कर में। आया समझ में? ठीक है, तो हम लोग इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, एनालॉग सिग्नल क्या होता है समझ में आया? ठीक है, समझ में आया एनालॉग सिग्नल क्या होता है? एक साइन वेव होता है और उसकी कुछ वेवलेंथ होती है और वो टाइम के साथ वेरी करता है। बस क्लियर है इतना कि नहीं है? अरे हाँ या ना तो कुछ तो बोलो। क्लियर है इतना कि नहीं है? एनालॉग सिग्नल क्लियर है? ओके, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल में हम लोग क्या देखें कि वो एक साइन वेव होता है, ठीक है, टाइम के साथ वेरी करता है, और क्या होता है? और ये बहुत दूर तक ट्रेवल करता है, इसमें वेवलेंथ भी होता है साथ में, वेवलेंथ को जितना बढ़ाएंगे दूर तक ट्रेवल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिजिटल सिग्नल्स पे। ठीक है, डिजिटल सिग्नल इज ए केमिकल सिग्नल दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज। ठीक है, ए क्वांटिफाइड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, फॉर एग्जांपल आर्बिट्री बिट स्ट्रीम ऑफ और ऑफ ए डिजिटाइज सैम्पल्ड एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टेड एनालॉग सिग्नल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है डिजिटल सिग्नल इज ए केमिकल सिग्नल। इसका क्या मतलब हुआ केमिकल सिग्नल का? पता है किसी को? इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट पढ़े हो क्या आप लोग कि नहीं पढ़े हो पिछले साल? इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़े हो? अच्छा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स तो पढ़े होंगे। डिस्क्रीट में तो उसमें डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? अलग? क्या अलग? डिस्क्रीट मतलब अलग, क्या अलग है वो, किस फॉर्म में रहता है? डिजिट्स के, देखो
डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, कटा कटा, ठीक है, मतलब या तो हाई रहेगा तो एकदम हाई रहेगा, एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पर रहेगा, लो रहेगा तो जीरो पर रहेगा, सीधी सी बात, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल सिग्नल बोलने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट मीन्स कौन कौन से होंगे, जैसे कि वो कैपेसिटर, ठीक है, रजिस्टर, ठीक है, और रजिस्टर, ठीक है, आईसी, ठीक है, और भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं इस टाइप के, छोटे छोटे, ठीक है, दिखने में बहुत छोटा सा रहता है कैपेसिटर, रजिस्टर, आईसी वगैरह, ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन पे काम करता है ये, पूरा का पूरा केमिकल सिग्नल पे काम करता है, आया समझ में। एक छोटा सा कैपेसिटर है, कैपेसिटर जानते होंगे सब लोग क्या होता है कि नहीं जानते हो, ठीक है, इस टाइप का एक छोटा सा बिंदु सा सिलेंड्रिकल टाइप का एक कैपेसिटर होता है, ठीक है, देखो बहुत सारे टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे कैपेसिटर्स जो होते हैं इसके अंदर कभी देखे हो क्या रहता है, क्या रहती है, कॉइल, नहीं कॉइल नहीं रहती, बिल्कुल कॉइल नहीं रहती इसके अंदर, कौन बोला कॉइल रहती है, नहीं देखो अगर इसको ना कभी खरीद के आना, ज्यादा नहीं 3-4 रुपए का मिलता है, इसको खरीदना मार्केट से, उसको फोड़ के देखना, ठीक है, तो इसमें कुछ एक केमिकल टाइप का मिलेगा, कुछ सब्सटेंस मिलेगा, पेस्ट जैसा रहता है वो, ठीक है, वो अलग अलग टाइप के केमिकल से बना हुआ पेस्ट रहता है। अगर मान लो यहाँ पे बोल रहा है कि 47,000 माइक्रोफेरेड 35 वोल्ट, मतलब ये 4,700 माइक्रोफेरेड का, ठीक है, और 35 वोल्ट की कैपेसिटी का ये क्या है, कैपेसिटर है, मतलब 35 वोल्ट तक ये करंट को झेल लेगा और उतने ही करंट को वो स्टोर करके भी रखेगा, आया समझ में, ठीक है। तो ये एसी और डीसी दोनों के लिए आता है। अब इसके अंदर भरे रहता है केमिकल, ठीक है, एक पॉजिटिव साइड रहता है, एक नेगेटिव साइड रहता है, चार्ज जो रहता है वो पॉजिटिव से जाता है, नेगेटिव से बाहर आता है, ठीक है, और जब ये चार्ज होता है कैपेसिटर तो वो क्या करता है, पॉजिटिव से करंट वापस देता है और नेगेटिव से जो उसका टर्मिनल रहता है नेगेटिव साइड वो वाला, ठीक है। तो इसके अंदर जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजा जाता है तो ये पूरी तरह एक्टिव हो जाता है, ठीक है, जब तक इसको करंट मिलते रहेगा तब तक ये करंट भी देते रहेगा, आया समझ में। तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन लगातार चलते रहता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन जैसा होता है तो वो क्या करता है, अपनी सिग्नल को कांस्टेंट कर देता है, जो यहाँ से करंट देगा, अगर यहाँ 35 वोल्ट दे रहा तो एग्जैक्ट 35 वोल्ट मिलेगा, 0.1 0.2 भी नहीं मिलेगा, या फिर ऐसे नहीं कि 34.9 ऐसा दे रहा है, 35 मतलब 35 ही देगा वो, आया समझ में, ठीक है, बोलने के लिए रहता है 35 एग्जैक्ट, मतलब 1-2 पॉइंट ज़्यादा रहता है वो, ठीक है, तो एग्जैक्ट ये 35 देगा, एकदम कांस्टेंट करंट देगा, ठीक है, अगर कांस्टेंट करंट नहीं दे रहा है तो डायरेक्ट ज़ीरो देगा, क्या करेगा वो, डायरेक्ट ज़ीरो देगा, मतलब ख़राब हो गया वो डिवाइस, ठीक है, उसकी केमिकल रिएक्शन करने की क्षमता ख़त्म हो गई, वो सीधा सीधा 0 वोल्ट देगा, आया समझ में, देगा तो पूरा 35 देगा, नहीं देगा तो 0 देगा, आया समझ में। तो यही सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट पे लगे रहते हैं, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हम लोग देखते हैं, अरे यार डायग्राम ग्राम कहाँ से आ जाते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है, इस टाइप के जो छोटे 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 हम लोग को पीसीबी दिखते हैं, ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसको अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये रजिस्टर लगा हुआ है और ऐसी बहुत सारे यहाँ पे डिवाइसेस लगे होते हैं, ठीक है, ये कैपेसिटर्स वगैरह, ठीक है, थोड़ा क्लियर नहीं है ये, ठीक है,
तो इस टाइप के हम लोग के पास अलग अलग बोर्ड्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे इसको हम लोग देखें, ठीक है, ये दिख रहा है, ये आईसी है। ये छोटे 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 कैपेसिटर्स लगे होते हैं इसमें, ठीक है। कैपेसिटर, रेजिस्टर, इस टाइप से बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं। तो ये सारे जो यहाँ पे कंपोनेंट हम लोग देखते हैं, ये सब के सब केमिकल सिग्नल पे काम करते हैं। किस सिग्नल पे काम करते हैं? केमिकल सिग्नल, ठीक है। मतलब सबके अंदर केमिकल ही भरा होता है, पूरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर केमिकल रिएक्शन से ही काम होता है, ठीक है। पहले मैं भी नहीं जानता था ये सब चीज़, ठीक है। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक से कुछ कुछ चीज़ें, कंपोनेंट्स हम लोग के कोर्स में थे, ठीक है, तो तब हम लोग देखे कि मतलब इसके अंदर जब केमिकल भरा रहता है तो ये काम कैसे करता होगा, ठीक है। तो सब चार्जिंग केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर, उससे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी डिजिटल डिवाइस लगे होते हैं उसके अंदर, सब के सब उस केमिकल सिग्नल पे ही काम करेंगे, ठीक है। चार्ज होते हैं तो फुल्ली चार्ज होंगे और फुल करंट देंगे हम लोग को, और नहीं देंगे तो कुछ भी नहीं देंगे, पूरा ख़त्म, टोटल बंद। आया समझ में? तो ये जो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, वो कुछ एक डिस्क्रीट सिग्नल होते हैं, दे रहे हैं तो फुल करंट दे रहे हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं दे रहे, इस टाइप से, ठीक है। इसका मतलब होता है वन, इसका मतलब होता है जीरो, वन जीरो, वन जीरो, वन और जीरो। अगर ऐसे पूरी एक लाइन रहेगी तो जीरो रहता है पूरा वैल्यू, ठीक है। जीरो मतलब हम लोग उस डिवाइस को ऑफ समझते हैं और कोई भी केमिकल सिग्नल उससे नहीं आ रहा है। आया समझ में? ठीक है। तो डिजिटल सिग्नल जो है यहाँ पे, वो एक प्रकार का केमिकल सिग्नल है और वो सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। डिस्क्रीट वैल्यूज मतलब ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, इस टाइप का चलते रहेगा, कोई ना कोई सीक्वेंस होगा, ठीक है। ऑन ऑफ मतलब 01 01 01 के फॉर्मेट में वो काम करेगा पूरा पूरा, ठीक है। एक क्वांटिफाइड टाइम, सॉरी, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग अगर मैं एक चार्ट बनाऊँ, ठीक है, अगर हम लोग एक इस टाइप का चार्ट बनाते हैं, ठीक है, इसको फुल कर लेते हैं, और यहाँ पे अगर इस टाइप का चार्ट बनाए हम लोग, ठीक है, तो ये टाइम है, ठीक है, और ये क्या है अपना सिग्नल है, ठीक है। तो यहाँ से अगर चालू है, ऑन कर दिए, फिर अगर एक बार ऑफ हुआ है, फिर ऑन हुआ है, इस टाइप से वो चलते रहेगा, ठीक है। फिर ऑन है, फिर ऑफ हुआ है, इस टाइप से एक सिग्नल चलते रहेगा। तो इसकी वैल्यू वन रहेगी, 0 1 0 1 1 1, ठीक है, 0 1 1 1, इस टाइप की वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो ओवरऑल इसमें क्या मिल रहा है हम लोग को? कोई एक सीक्वेंस मिल रहा है, 1 0 1 1, इस टाइप का सीक्वेंस हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस पे ही ये डिजिटल सिग्नल वर्क करता है, क्योंकि 1 का मतलब होता है ऑन, ठीक है, 0 का मतलब होता है ऑफ, ठीक है, इतना सब समझते हो, ठीक है। कंटिन्यूस सिग्नल मिल रहा है मतलब वो क्या है, ऑन कंडीशन में, सिग्नल बंद मतलब डिवाइस बंद, मतलब जीरो में आ गया हो। आया समझ में? तो इस टाइप का एक डिस्क्रीट सिग्नल काम करता है, क्लियर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको बोल, जो हम लोग ऐसे बॉक्स बॉक्स टाइप को बना रहे थे, जो उसको बोलते हैं सैंपल, ठीक है, सैंपल्ड या फिर सैंपल इसको बोलते हैं, ठीक है। वो एक आर्बिटरी बिट स्ट्रीम होता है, मतलब बिट जो बोलते हैं हम लोग, सिंगल वन या फिर जीरो को हम लोग बोलते हैं बिट स्ट्रीम, ठीक है। उसी का एक सीक्वेंस रहता है तो उसको स्ट्रीम बोला जाता है, ठीक है। तो बिट स्ट्रीम पे काम करेगा, ठीक है, जो कि हम लोग का एक सैंपल होता है, और या फिर हम लोग उसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। दोनों काम होता है, एनालॉग टू डिजिटल भी कन्वर्ट होता है और डिजिटल टू एनालॉग भी कन्वर्ट होता है। आया समझ में कि नहीं आया? आगे समझ में? ठीक है। तो जो भी कनेक्शन आता है हमारे सिस्टम पे, जैसे कि कोई भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन आया है, कुछ भी आया, ठीक है, अगर उसमें वायर लगा हुआ है, मतलब वो जाहिर सी बात है 100% वो किस में काम कर रहा है? एनालॉग सिग्नल पे काम कर रहा है, ठीक है। जो हमारा डिवाइस लगा होता है, रूटर लगा होता है, स्विच लगा होता है, कुछ भी चीज़ लगा होता है, ठीक है,
वो कन्वर्ट करता है सबसे पहले उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल पे, ठीक है। सबसे पहले वही काम होता है, क्योंकि उसके अंदर पूरी की पूरी एक सर्किट लगी होती है। सर्किट सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सिग्नल समझता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं समझता है। आज की डिवाइसेस वगैरह देखोगे तो उसमें कहीं पे भी कॉइल यूज़ नहीं होता है। जहाँ कॉइल यूज़ नहीं होता है मतलब वो डिजिटल सिग्नल पे काम करता है ओवरऑल, ठीक है। पहले क्या लगा रहता था, छोटे 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 कॉइल्स लगे रहते थे, बहुत सारे कॉइल्स लगे रहते थे। वो क्या करता था, मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर उसको उसका पावर कम करने की कोशिश करता था, ठीक है। छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे रहते थे उसमें, ठीक है। आजकल सब खत्म हो गया, सब रेजिस्टर्स आ गए, कैपेसिटर्स आ गए, उसके बाद से पूरे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर वगैरह खत्म हो गए, ठीक है। तो वैसे ही एक पहले बहुत बड़ी टीवी आती थी, जानते हो, शटर लगे रहता था उसमें लकड़ी का, देखे हो कभी बचपन में किसी के घर होगा, ठीक है। अजंता कंपनी ने उसको लॉन्च किया था, सिंगल पीस बनाया, ठीक है। उसके बाद बहुत खर्चा आता था, बहुत महंगा। हाँ मेरे घर भी था, मैं बेच दिया 50 रुपये में उसको, ठीक है। तो वो जो एक टीवी थी, मेरे को याद है कि आज से करीब 20 साल हो गया होगा, करीब हम लोग छोटे छोटे थे उसमें। तो उसको एक बार रिपेयरिंग के लिए किसी आदमी को बुलाए थे, वो बहुत मिन्नतें करने के बाद वो आया, ठीक है। उस समय मान के चलो वो टीवी बंद होने वाली थी ना, मतलब वो उसका दौर ख़त्म हो चुका था, ठीक है, क्योंकि कलर टीवी वगैरह आ गए थे, ब्लैक एंड वाइट का दौर ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो अब चल रहा है तो चल रहा है, एक बार रिपेयर करके देख लेते हैं उसको, ठीक है। तो जब उसने खोला उस टीवी को, ठीक है, तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था क्या क्या लगाया उसके अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर इतने सारे जगह ट्रांसफार्मर लगा था, इतने सारे जगह बड़े बड़े कॉइल्स लगे थे, बहुत सारा अलग ही टाइप की टेक्नोलॉजी थी उस समय, ठीक है। तो उसने एक पूरे से प्लास्टिक जो माइक बन कर लो, किसका माइक कौन है, ठीक है, उसने पूरे एक झिल्ली भर के 1.5-2 किलो के सामान उसमें से निकाल लिए, ठीक है। अब मैं निकाल लिए तो हम, मैं सुबह से लेके बैठा हुआ था और टीवी को बनते हुए देख रहा था, तो मेरे को आज भी याद है कैसे बना रहे थे उसको, ठीक है। इतना बड़ा सा मशीन उसका निकाल के एक छोटा सा उसमें कैपेसिटर जोड़ देता था, छोटा सा उसमें रजिस्टर जोड़ देता था, ऐसे करके उसने दिन भर में सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक वो पूरा उसके टीवी का जो कंपोनेंट था वो पूरा चेंज कर दिया। अब उसको क्या कर दिया उसने, पूरा सर्किट बना बना के उसने पूरा उसको डिजिटल में चेंज कर दिया, मतलब जो एनालॉग सिग्नल से काम करता था उसको डिजिटल चेंज। वो आज तक ख़राब नहीं हुआ था, वैसा का वैसा ही चल रहा था, एकदम बेस्ट क्वालिटी दे रहा था। अब सोचो पुराने जो डिवाइसेस वगैरह होते थे वो सारे एनालॉग पे काम करते थे, पावर भी बहुत ज़्यादा लेते थे, लेकिन आजकल के जो डिजिटल कंपोनेंट्स आ गए हैं, इससे क्या होता है, हमारा पावर कंजम्पशन भी बहुत कम होता है, प्लस हम लोग को जो सिग्नल मिलता है बहुत अच्छा सिग्नल मिलता है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि उसकी सैम्पलिंग जितनी अच्छी रहेगी उतनी ही अच्छी क्वालिटी हम लोग को मिल जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है, वोल्टेज के ऊपर वो नहीं है। हाँ तो आजकल तो मशीनें भी आ गई है, ठीक है। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो पावर वगैरह है या फिर वैसा है, उतनी कंपैटिबल डिवाइसेस नहीं होती थी, ठीक है। एनालॉग सिग्नल जो है वो, उसका जो सिग्नल भी है वो वेव के हिसाब से क्या होता है, कम ज़्यादा होते रहता है, मतलब कभी होगा तो पूरा ज़ीरो नहीं होगा, वो 1-2 वोल्ट रहेगा, फिर उसका बढ़ेगा तो मतलब 98-95 रहेगा, मतलब फुल सिग्नल कभी नहीं मिलता था उसमें, ठीक है। इसीलिए जो स्क्रीन पे भी देखते तो झिलमिल 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 आता था कभी, ठीक है, उसमें डिस्टरबेंस आता था, ग्रेन्स आते थे, ठीक है, इस टाइप से। लेकिन आजकल के टीवी वगैरह में देख लो, एक बूंद ग्रेन्स नहीं मिलेगा, एक भी ग्रेन्स नहीं मिलता। ग्रेन्स अगर दिख रहा है मतलब टीवी ख़राब है, मान लेते हैं अपन, है ना, ग्रेन्स दिख रहा है मतलब टीवी ख़राब है, ठीक है। आजकल की LCD LED टीवी ये सब आ गई है, तो उसमें क्या रहता है, इतना सा सर्किट रहता है, मुश्किल से वो 1500-1700 रुपये का सर्किट आता है, लेकिन जो स्क्रीन रहती है वो महंगी रहती है उसकी, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा जो पहले लगता था, इतने सारे कंपोनेंट्स लगते थे बड़े बड़े, ठीक है, वो सब क्या हो गया, इतना छोटू सा हो गया एकदम, मतलब हम लोग नाखून में भी रखे तो नाखून भी बहुत बड़ा दिखेगा उससे, ठीक है। आगे समझ में, तो ये सारे डिजिटल सिग्नल्स जब से आए हैं तो कंपैटिबल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी वैसे ही बनने लग गए, ठीक
ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ से वेव फॉर्म जो था ठीक है वो ख़त्म हो गया, वहाँ पे आ गया डिस्क्रीट। क्या आ गया? डिस्क्रीट वैल्यूज़ ने काम करना चालू कर दिया। वहाँ पे वेव में जो काम होता था, अब क्या हो गया, जीरो और वन फॉर्मेट में डिस्क्रीट वैल्यूज़ आने लग गई। ठीक है, और इसको बोलते हैं लाइन कोडेड सिग्नल। ठीक है, यहाँ पे देखो सेकंड नंबर पॉइंट, ए पल्स ट्रेन सिग्नल दैट स्विचेस बिटवीन डिस्क्रीट नंबर ऑफ वोल्टेज लेवल्स और लेवल्स ऑफ लाइट इंटेंसिटी, ऑल्सो नोन एज लाइन कोडेड सिग्नल। क्या बोलते हैं इसको? लाइन कोडेड सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल, ए सिग्नल फाउंड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और इन सीरियल कम्युनिकेशन यूजिंग डिजिटल बेस बैंड ट्रांसमिशन इन और ए पल्स कोड मॉड्यूलेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजिटाइज एनालॉग सिग्नल। ठीक है, जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन PCM जिसको बोलते हैं, पल्स कोड मॉड्यूलेशन जनरली यूज़ किया जाता है कोई सैटेलाइट सिग्नल में, ठीक है, या फिर हम लोग छोटे छोटे कंपोनेंट रहते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब वो एग्जैक्टली कहाँ पे यूज़ होता है मुझे भी नहीं पता है। वो दो डिवाइस के बीच में छोटा सा कम्युनिकेशन करना रहता है, वहाँ पे यूज़ होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है, और जो डिजिटल बेस बैंड ट्रांसमिशन होता है वो जनरली हम लोग एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में हम लोग कोई एक सिग्नल सिंगल लेवल पे भेजना पड़ता है, मतलब सिर्फ भेज दिए और भूल गए ऐसा टाइप। ठीक है, तो वो बेसमेंट ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, वहाँ से मतलब टू वे मल्टी मतलब जो एक उसमें मल्टीप्लेक्सिंग होती है, वन वे टू वे इस टाइप से, हाफ ड्यूप्लेक्स ड्यूप्लेक्स मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होती है, वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी डिजिटल सिग्नल के बारे में और एनालॉग सिग्नल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो एनालॉग सिग्नल कुछ इस प्रकार का रहता है और डिजिटल सिग्नल इस टाइप का रहता है। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो आज के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम लोग को मिलते हैं सब डिजिटल होते हैं। ठीक है, चलो फिर आज का ख़त्म ही होने वाला है।